नमस्कार, हम नेपाल के रहने वाले हैं और मेरा नाम राजेश राय है और हम करमजीत सरदार के पास रहते हैं। और हमारा बहुत शौक था कि हम गाना गाएं, पर हम गरीबी के चलते हम आगे नहीं बढ़ सकें। पर अब हम यहाँ पर किस्में कितना है दम हमको, हमारा बाल बच्चे ने हमको दिया, आए थे स्कूल में बाल बच्चे के, तो हमको फार्म मिला, हमको मौका मिला, तो हम गाना गाते गाते आराम से वहाँ पर हर एक सेमीफाइनल भी हर एक चीज़ पास करके अब ग्रैंड फाइनल में पहुँच गए हैं। तो बहुत मुश्किल से हम कर्जा उर्जा लेके पैसा वैसा कहीं से लेके तो हम अपना फीस तिर के ग्रैंड फाइनल में पहुँचे हैं। जब हम बड़े होते गए, शादी हो गई, जब हम पंजाब में आए तो हमको ऐसा लगा कि पंजाब में आके हमारा सपना पूरा होगा। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन, तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ऐ वतन, तू ऐ मेरे, तुझे पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्ते, हम रेखा देवी राय, राजेश राय की पत्नी बोल रहे हैं। हम लोग बहुत देर से, मतलब 12-13 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। हम लोग का पिछला पिंड है नेपाल और हमारे पति का ये बहुत ज़्यादा ही सपना है कि सिंगर का, गाना गाने का। जब भी वो गाना गाते थे और कहते थे कि हम भी इतना अच्छा गा के गायकार बन जाए, कुछ कर ले, तो इसका बहुत सपना था गाना गाने के लिए। तो फिर हम लोग सोचे चलिए, जब एक दिन हमारे बच्चे के स्कूल में आए थे ना, तो बच्चे हम लोग का बोला कि पापा बहुत गाना गाते हैं तो गाना में पठा देते हैं ना, तो चले गए गाना गाने के लिए। इसका बहुत ख्वाहिश है कि आगे हम गाना गा के आगे बढ़े, मेहनत करें। हम लोग गरीब हैं, काम करते हैं हमारे सरदार जी के पास में, करमजीत सरदार नाम है सरदार जी को। हमारे सरदार सब भी बहुत अच्छे हैं और चलो मेहनत करते भी है तो गाना ये गाते रहते हैं और अपने सपने सोचते रहते हैं कि हम भी आगे बढ़े। तो अभी फाइनल में पहुँचे हैं तो भगवान को मनाते हैं, वाहिगुरु को, कि वाहिगुरु हमारे पति को अच्छे ठाँव में ले जाए, जैसे गए हैं वैसे आगे बढ़ जाए और जीत के हमारे सबका नाम रोशन करे। बहुत प्यारी करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सागर की बाहों में मौजे हैं तेने, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, जब तक है दम। बहुत प्यार करते तुमको सनम। हम लोग भी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, वही पैसे से थोड़ा बहुत लगा के उठाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पति अच्छे से करके आगे बढ़ जाए और हम लोग का भी ज़िंदगी बनाए और बाल बच्चे का भी भविष्य के कुछ फ़ायदा हो, बस इतना ही चाहते हैं। बहुत गरीब से हैं, थोड़ा बहुत खर्चा जिससे चलता है उसे चलाते हैं हम लोग।
हम तेरा कीना भरोसा तेरा है, तू ही मेरी माता तू ही पिता है, दया हम तेरा कीना भरोसा तेरा है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मर के भी तुझको न भुला पाऊंगा मैं तुझे हमदम, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। जब हमारे शादी हुए थे, शादी हो रहे थे ना, तो हम लोग के उधर भी बैंड पार्टी लाते हैं सब, तो बैंड पार्टी लेके आए थे, तो ए सिंगर थे वो बैंड पार्टी का, तो इसको दूसरा गायक नहीं मिला था, तो इसने सोचा कि चलो हम ही गा लेते, तो ये अपने गड्डी में बैठ के गाना गा रहा था, तो सब हमारे भाई सब और मतलब समाज का जो है सब खोज रहा था कि गायक कहाँ पर है, कौन गा रहा है गायक, तो जब भी देख के ये लोग, तो फिर ये ना गड्डी में मिला तो कहता है लो हमारे जॉइंट साहब ही गाना गा रहा है, तो किसको बोलेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे गाना गा रहे थे, तो तभी भी इसका बहुत तारीफ हुआ कि अपना ही दूल्हा बना है तो दूल्हा अपना ही गाना गा रहा है, तो सब कोई हमको आगे बताते थे, हमारी सहेली भी, तुम्हारे दूल्हा जो बन रहा है वो आप ही गाना गा रहा है। तुम्हें पता है ए गुलशन, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियाँ न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। इसमें कितना है दम, वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे पति को टैलेंट दिखाने का मौका मिला और उसका सपना पूरा करने का चांस मिला है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद अपने दिल से दे रहे हैं कि आगे बढ़े, इसको भी बहुत आगे लेके जाए। हमारा बेटे ने बताया कि के एच डी दा अपना स्कूल में टीम आई, उसने बताया कि कोई भी अपना पार्टिसिप कर सकता है, मतलब कोई भी उसमें अपना भाग ले सकता है उसमें, तो हम जाके अपना फार्म भरे तो हम अपना भाग लिए, तो अपना केकेडी अपना चलो हम अब सब कुछ फाइनल करके, तो अब हम अपना फाइनल रोल में पहुंच चुके हैं, तो हम आप लोग से यही विनती करते हैं कि हम आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना फाइनल को पास करके तो हम जीत सकें। वाहगुरु जी की फतेह। मैं सविंदर सिंह पिंड पंजवड़, मेरे को रजीश कुमार जो कि काफ़ी समय तो साढ़े को 2013 तो भी साढ़े को रहा जी, फिर बिचों जान करके हूँ 2-2.5 साल फिर हो गए साढ़े को। मैं इनू गाँवे वेख्या तो मैं वेखे की आवाज़ वेखी कि बहुत सोहनी आवाज़ है, तो मैं सोचा भी वाहगुरु कृपा करे ये बुलंदियों तक तो तक पहुँचे, वाहगुरु कृपा करे एक जी पट्ठे वढ़ा भी कहीं आम ही काम करता भी इनू वेखना, मैं इनू इन्हें गाँवे होना तो मैं यदि आवाज़ सुननी तो बहुत सोहनी आवाज़ लगनी, मैं क्या आवाज़ सुननी, तो मैं कृपा करे ये भी तो उतों तक पहुँच जाए जिस तरह आम छोटे बच्चे ज वे जाते हैं, तेन ये भी सिंगर बन जाए।
साढ़े को काफ़ी चिर तो रहन करके अं सारा घर बार ही इन्हों के सिर पर आ कि बहुत ही ईमानदार परिवार आ बहुत ही नेक परिवार आ सारा कारोबार ही इन्हों के सिर पर आ क्योंकि सारा जो भी कारोबार आ हरजीत सिंह कर रहा है इन्हों के सिर पर ही सब कुछ इतने कारोबार आ कि नेक आ ईमानदार बंदा आ पति का भाग आ जो कि सारी देखभाल भी यही कर रहा है यही गांह बंदियों तो करा भी रहा है तो सारी देखभाल जो दवाइया पाया खादा पाया आ टाइम ना टाइम दे जितना ही पानी लाने ये सब कुछ आप ही देख के आप ही सब कुछ करता है सानू आके दसदा भी आ भी अज आह काम करने वाला आ अज आ स्परे होने वाली आ अज आप फलाना काम कर लीए अं फिर वो जो दसदा आगे फिर उस हिसाब ना ही काम करते अगे जाके भी अज लेबर चाहिए आ फिर ये जाके पिंड लेबर लैके आता भी इन्नी लेबर चाहिए आ उस हिसाब ने लेबर ला के जो बाग की कटाई करनी आ ये सारे ही देखभाल आप ही करवाता है लागे को लोग इदा है भी जो भी कि पट्टे पाँगा आ जा डंगर चुंदा आ तो यू कभी दूरों के बिने तो ये अपने ही मस्ती दे तो मैं कह रहा तू इन्ने इन्ने हाथ जे क्यों मारदा आ इन्ने कन्ना टूटियां लाइया होंदिया तो उची उची अपने मन के गाँव रहा तो मैं खुद कमलिया को हाथ जे मारदा आ तो मैं कह रहा आसू मखौल करूँ इनू कोठे के उपर वेदा रूँ ये हले हौली हौली वोले जे ये इस तरह हाथ जे मार मार के कभी कुछ करूँगा तो मैं कह रहा रेखन पूछू हाँ रेखा ये की करता तड़क क्यों इस तरह करता आँधी वो रिहर्सल कर रहा आ तो अं कई रहा संघ उपर वे वे के भी रिहर्सल इदा बहुत वधिया कर रहा चलो चंगी गल है गुरु कृपा करे तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले कलियाना बिछाना ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मदहोश बनाने वाले नाते भी साढ़े ना तो चलो ब प्यार हैगा ही हैगा ये पिंड भी आंढ़ गुआढ़ इलाके के साडे भी यदा ना हैगा आ कि जिते भी जाता रवि आ गया इन रवि छोटा ना इनू रवि भी बोलते रगेश कुमार को रवि बोलते इस करके तो काफ़ी ना भी इतने जो उन्हें साड़ी वाग भी जिनी रवि को चले हाँ रवि को फलाना काम चले हाँ अजय सानू नहीं कोई इन्ना जानता जिन्ना इनू पिंड जाके अज ही रवि को चले हाँ कि काफ़ी इन्हें आपका ना इतने बनाया हो पिंड सानू ये पता लगे पहला रोड के पहुँच चुका आ वाहगुरु कृपा करे ये उत्थों जित के आए तो साढ़े पिंड का साढ़े परिवार का साढ़े इलाके का नाम रोशन करे वाहगुरु कृपा करे ये ते पगार मिलता है तो उससे हमको मुश्किल से अपना खर्चा चलता है उसमें बीमारी बीमारी सारा अपना डॉक्टरी खर्चा भी पड़ता है सब अपना राशन पानी नहीं पुकता है क्या करेंगे उसी में अपना ये करने गुजारा करना पड़ता है फिर भी हमारा बच्चों ने बहुत हौसला दिया पापा उन्हें बोला कि पापा आप घबराओ नहीं हम आपके साथ हैं हम आपको हम पूरा साथ देंगे उन्हें बोला तो हमको भी बहुत हौसला हुआ चलो बच्चे लोग हम हौसला दिया तो चलो आगे बढ़ते हैं
धीरे धीरे हम सारे राउंड क्लियर करते गया। अब हम फाइनल रोने पहुंच चुके हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत राय है और मेरा पापा का नाम राजेश राय है। वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनका लाडला बेटा हूँ। छोटे में वो हमको बताया करते थे कि उनको गाना गाने का बहुत शौक था और वो अच्छे गाना गा भी लेते हैं। तो ऐसे मेरे पापा हमको बचपन में बताया करते थे, तो मुझे भी इस कारण मुझे भी थोड़ा बहुत शौक रहता था कि मैं भी पापा ऐसा गाना गा सकूं और मैं भी पापा ऐसा एक दिन सफल इंसान बनूं। तो मैं थैंक्स कहता हूँ KKHD यानी किस में कितना दम को कि मेरे पापा को बढ़ने का मौका दिया आगे, ताकि वो भी आगे कुछ कर सके। एक दिन हमारे स्कूल में एक सर आए, दो सर आए थे, तो उन्होंने हमको पर्ची बांटा था कि KKHD में ऐसे आप टैलेंट दिखा सकते हो। तो मतलब मैंने सोचा कि मैं लूँ, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पापा का भी टैलेंट है जो सिंगिंग का है, तो उसमें सिंगिंग का ऑप्शन था। तो मैंने भरा था अपना फॉर्म, बाद में उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो हमने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा तो उनको अच्छा भी लगा। तो इससे हमारे पापा को लिया गया KKHD में। तो थैंक्स फॉर KKHD। सो मेरे पापा अब हर एक राउंड को पूरा कंप्लीट करके फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं और हमारे परिवार को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में खुशी है। तो मतलब अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकते। तो थैंक यू फॉर KKHD। तो हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारा पापा ग्रैंड फिनाले जीत के हमारे परिवार का नाम रोशन करे। नमस्कार, मैं निशा कुमारी राय, मेरा पापा का नाम राजेश राय है। वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं और उनको मतलब बचपन से शौक है। जब हम लोग छोटे थे तो हमको पापा ने बताया था कि मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, इसलिए उनको गाना गाने का बहुत शौक है। तो स्कूल में आए थे सर, तो उन्होंने पर्ची दिया और फिर हम लोग घर लेके आए तो मम्मी को दिया, तो मम्मी ने पापा को दिखाया कि यहाँ पर सब है। तो फिर बाद में पापा को वहाँ वीडियो बनाकर भेजा गया, सर ने सेलेक्ट किया वीडियो को और सब पसंद भी किया और सब फाइनल राउंड पास करके फाइनल राउंड में गए हैं। मैं ही उम्मीद करती हूँ पापा सब राउंड जीत कर आए। पापा, आज ना मेरा मन ना बहुत ज़्यादा उदास है, मतलब हम सब का मन, तो हमें ना ऐसे एक गाना सुनी है जिससे हमारा मन खुशी से भर जाए। जुग जुग जियो ललनवा भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल है फुलवा के दीपक मनवा में आग लागल हो। जुग जुग जियो ललनवा भवन भाग जागल हो, ललना लाल है फुलवा के दीपक मनवा में आग लागल हो। हम भगवान से यही दुआ करते हैं फाइनल जीत के आए। हम अपना परिवार पूरे का, अपना सब परिवार जितना है हमारा, सब का नाम रोशन करें। जब हम ये शो जीत जाते हैं तो जो हमको राशि मिलेगी या पैसा मिलेगा, जो हमारा सपना था उस सपना को हम पूरा करेंगे और आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। KKHD का भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो लोग हमको इतना हमको साथ दिया, वो लोग हमको ये शो में आने का मौका दिया। उन लोग को हम अपना दिल से बहुत हम धन्यवाद करते हैं।